करो कैलकुलेट 94 डिवाइडेड 76 डिवाइडेड बाय 90 करो भाई कैसी से करो बोलो आंसर बोलो सुस्त लोग आंसर बोलो क्या 80.85% ओके ट्राई 19th ऑन योर ओन कम ऑन 19th वन भी ऑपरेटिंग रेशियो है विद सम एडिशनल डेटा दिमाग लगाओ 19th वन कम ऑन डू 19 एक ही है 19 अकेला समय करो निनाद भाई क्विकली इस बार कम ऑन साइड नॉट स्टेक करो बड़ा लास्ट आंसर कल का अच्छा कल ही है क्या कल भी नहीं है बच गया हम लोग ऐसे घुस गए वरना तो मेरा साढ़े छह तक चलो मैम ने आने दिया तो भी 120 मैम ने बीस सेकंड में खत्म कर दिया बोल रही सीट आउट छोटी अरे इसलिए उसने बोला क्या था कुछ तो कार इज स्टैंडिंग स्टेशनरी आउटसाइड द स्टेशनरी शॉप द गर्ल वेंट पे बिकॉज शी कुडंट कलेक्ट द पेल ऑफ वाटर ऐसा सर अच्छा है मजा करने को मिलता है ये मजा है थोड़ा लेट हो जाओ रिक्शा नहीं मिलेगा सर कितना मिला तेरे को रिक्शा चलो चलो बराबर 19 करो डू इट फास्ट आज बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक Not from theoretical point of view, practically important. 19th वाला क्या आया आंसर? 45
COGS मिला पहले ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज COGS. फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपको है एडमिन और सेलिंग, और फिर सेल्स लेस सेल्स रिटर्न नेट सेल्स, सबको मिलाओ फॉर्मूला बना लो क्या 68.88% राउंडेड ऑफ टू टू डेसिमल्स 68.88 इज इट क्लियर 20th सर ना सम नंबर 20 फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट ऑफ लोहा लोहा वाला देखो ध्यान से एकदम सम नंबर 20 देखो अभी 20th में आपके पास पूरा ट्रेडिंग पीएनएल बना के दिया हुआ है मिला एंड यू नीड टू कैलकुलेट और ऑपरेटिंग रेशियो यू नीड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो तो कर सकते हो ट्राई करो आप लोग ट्राई करो सब लोग इसमें आपका COGS में वेजेस भी आ जाएगा इसका एक और तरीका है बाय द वे COGS आप ऐसे ढूंढ सकते हो या फिर वन मोर वे ऑफ फंडिंग आउट COGS व्हाट इज दैट सेल्स माइनस जीपी परफेक्ट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज ऑल्सो COGS डायरेक्टली मिल सकता ठीक है बोल एलिमेंट इज फाइन जो क्लिक हुआ Will you consider loss on sale of plant and operating expense? That is what? Of no. So non-operating. Non-operating expense. Non-operating. Indirect to sab hai. Usko wo non-operating. Wo ghadi ghadi nahi hone wala. So operating mein khali do hi aayega. Ya fir agar finance hai to bol lete hain. Admin selling finance. Theek hai? Then you arrive at seedha operating ratio. कितना है कितना आ रहा है लास्ट दो लेक्चर बोलो बोलो आंसर क्या है 58 अरे बिना मिस्टेक मेरा मिस्टेक 2,44 अपॉन 4,20 इंटू 58.0 बराबर 58.09 See the next one. Round off मत करो भाई. दो decimal तक. और इसमें थोड़ी सी बोलने के लिए. 58.09 तक. Okay. Pay attention now. 21st और 22nd. देखो 21st पहले.
यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. अभी आपको मैंने बोला था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो क्या आर ओ सी हो, दोनों को सेम कंसिडर करो. तो क्या था फॉर्मूला याद है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आर ओ आई. व्हाट वाज द फॉर्मूला? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू व्हाट. सो इधर देखो प्रॉफिट एंड दिया हुआ है 50, कैपिटल दिया है, रिजर्व दिया है, लोन दिया है. रिजर्व किसको बिलोंग करता है? ओनरशिप कैपिटल. और लोन बोरोड फंड अपने को सब ऐड करें टोटल का. तो सीधा फॉर्मूला ही डाल सकते हो, व्हाट इज आर ओ आई, इट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100. सो प्रॉफिट भी पता आपको 50, और नीचे डिनोमिनेटर का भी पूरा पता है. टोटल पूरा लिख दो, 2 लाख आपका कैपिटल है प्लस रिजर्व्स 1 लाख ओनर को बिलोंग करते हैं प्लस बोरोड फंड 2 लाख. ये टोटल कैपिटल का मतलब समझ रहा है? व्हाट इज टोटल कैपिटल? टोटल सोर्सेस, फंड्स अवेलेबल, फंड्स अप्लाइड, बैलेंस शीट का टोटल है ना, वो ही है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड अपॉन टोटल कैपिटल इंटू 100. सो दैट इज 50,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100. 10% आ रहा है. गुड और बैड? थोड़ा बैड. मिनिमम कितना होना चाहिए? 15%. गुड कंपनीज दे मेक 15 और मोर. योर बिजनेस शुड स्ट्राइव टू मेक एटलीस्ट 20-25-30%. एटलीस्ट 30%. अरे तुम्हारा बिजनेस अगर कर दो कुछ पर्सनल, तुम किसी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वाला था. हाँ क्या बोले सर? 25 किया सी 22nd. कैलकुलेट आर ओ सी ट्राई करो. चलो आर ओ सी, आर ओ सी ट्राई करो सब लोग. कम ऑन सर, आप क्या एक सेंटेंस के लिए से पिज़्ज़ा प्रिंटर संभाल पटेल अकेला है. हाँ अकेला. अरे अकेला क्यों है पटेल? पटेल अकेला क्यों है? पटेल पीछे लॉकी फिट नहीं है. पटेल अभी ढूंढ के चलो सॉल्व करो फटाफट. 22nd सॉल्व करो सोल्व फटाफट. ये वायरा हो करो ना सही ऐसे लेके जाएगा ना दिख रहा है. चलो सर 40 40 टका. हाँ मतलब चाहिए पहले सीओ ने पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस. यस 40%. यस सर. गुड बाय. एक्चुअली वेरी गुड. यही तो चाहिए आपने. एक्सीलेंट. दिस इज व्हाट वी वांट. ओके 40% आर ओ सी मिला. बस ऐसा बिजनेस फाइंड सच बिजनेस. मिला मिला. उसके बाद सम नंबर 40 करो खुद से. सम नंबर 40 और 41 पूरा 40 and 41 उड़ाओ. हाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस टोटल प्रॉफिट में प्रॉफिट अपॉन देखा हुआ हमने कभी आगे भी तो देखा है. आज का पहला देखा हुआ प्रॉफिट शुड है सेल्स माइनस सीओजीएस माइनस ऑपरेटिंग. चलो मिला 40% आया आपको. सृष्टि जी फाइनेंस करना है आपको. यहाँ पर अटक जाओगी तो कैसे करोगे? फाइनेंस में यही सब करना है. कंपनीज में बैठ के यही ढूंढना है और उसमें इन्वेस्ट करना है. अभी अटकोगे तो तभी भी अटकोगे. कम ऑन फटाफट. मिला 40% आर ओ सी
गुड और बैड? गुड और बैड, वेरी गुड। चलो उसके बाद कौन सा बोला मैंने? 40 और 41 करो 40 का क्या आ रहा है आंसर? 40 का क्या आ रहा है? 15.79% चेक। 40 का आंसर इज 15.79%। मिल रहा है? Hey, guys. Guys. चलो फिर नेक्स्ट पार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट पे जाते हैं। एक और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ऑप्शन है। किसका? नेक्स्ट प्रॉब्लम फोर्टी एथ में नेट प्रॉफिट रेशियो है, 41st में ऑपरेटिंग 15.79 आया था ना। सर इसका 80.85 है। 41 का 80.85% चेक मिला गाइस? आया कि नहीं बताइए। That's your issue part. जितना क्लास में किया है ना इसमें सम स्टैंडर्ड टेबल का सारा इंक्लूडेड है। रेशियोज का यही सम्स देखते जाओ, अगर सब आता है आपको गारंटी रिकॉर्डिंग क्लास का सम्स मोर देन रेशियो सब वर्टिकल कंपैरेटिव कॉमन साइज रेशियो कैश फ्लो स्टेट कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट सीए इंटर का पार्ट है और सीएफए का पार्ट है और एमबीए फाइनेंस का पार्ट है। आपको इधर बेसिक्स है सर, ओके स्टैंडर्ड एक निकालो सर ना राउंड ऑफ ना 8.15.78 मोर देन 5 और 9 हो जाएगा 15.79 मिला। ये 15.79 एंड 80.85 समझा आपको? फॉर्मूला क्लियर है? 40-41 हो गया सबका। एक और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पेज नंबर 359 पेज 359 स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक सृष्टि का हुआ कि नहीं सॉल्व? पेज 359 एक पेज 359 अभी एक
अभी सुनो मेरा बात, आपका जो वर्टिकल स्टेटमेंट चैप्टर है, एनालिसिस ऑफ वर्टिकल स्टेटमेंट जो हमने अभी किया, उसमें ना बोर्ड्स में आने का चांसेस सबसे ज्यादा, एक तो नॉर्मल कन्वर्जन जो हमने संडे को किया था, दूसरा कंपैरेटिव, कंपैरेटिव में कुछ भी आ सकता है, बैलेंस शीट या फिर रेवेन्यू स्टेटमेंट, इन सभी में कुछ भी आ सकता है, बैलेंस शीट या फिर रेवेन्यू स्टेटमेंट, बराबर है। कॉमन साइज अभी तक पूछा नहीं, तीन अटेम्प्ट में एक में कन्वर्जन आया है, एक में कंपैरेटिव आया है, एक में रेशियो आया है, तो कॉमन साइज अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन आने का चांस इनका ही है, रेशियो में तो चलो किसका भी रेशियो आ सकता है, तो आने का चांस आपके बोर्ड्स में ये चार आइटम्स का सबसे ज्यादा, उसमें भी कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज इनका चांसेस सबसे ज्यादा लग रहा है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, इज इट क्लियर? तो इन पे अच्छे से फोकस करना, कैश फ्लो का चांस बहुत कम है, बहुत कम, नेग्लिजिबल कैश फ्लो स्टेटमेंट आया, मतलब वो लोग चाहता है कि आप लोग डेथ ही करो, इसके लिए डाला हुआ है, इजी कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट टफ, बट इसका कंसेप्ट जो है इनडेप्थ आपको सीए इंटर में आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 दैट डील्स विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ हाँ, अभी व्हाट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, द लास्ट पार्ट, याद है मैंने टूल्स ऑफ एनालिसिस बताया था, एक टूल था कंपेरेटिव, एक था कॉमन साइज, एक था रेशियो और एक था कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो एनालिसिस। ओके, अभी ये सब टूल्स ऑफ एनालिसिस है, टूल्स मतलब इनकी मदद से आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो, समझ सकते हो और बेटर डिसीजंस ले सकते हो। तो कंपेरेटिव आपको पता चलता है क्या इंक्रीज क्या डिक्रीज हुआ दो साल में, कॉमन साइज में आपको इंटरनल ब्रेकअप दिखता है कि कैपिटल कितना है, लोन्स कितना है, एक्सपेंस कितना टका है सेल्स का, प्रॉफिट कितना टका है, रेशियो से आपको दो बिजनेसेस को कंपेयर करना है तो कर सकते हो, बाय कंपेयरिंग ऑल द लिस्ट ऑफ 7-8 रेशियोस। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट, व्हाट इज द ब्लड लाइन ऑफ एनी बिजनेस, ब्लड लाइन ऑफ एनी बिजनेस इज कैश, बिजनेस में कैश है तो बिजनेस चलेगा, बिजनेस में कैश नहीं है बिजनेस चलने वाला नहीं है, that's why it is very very important that in whatever business you are you need to understand the flow of cash, you need to understand the flow of cash, flow in the sense inflow and outflow of cash, inflow and outflow matlab inflow matlab paisa aaya and outflow matlab paisa gaya, ab ye to hame pata hai hum to cash bank account banate the, that was cash account, bank account, paisa aaya to debit side, gaya to credit side, right? Then cash flow statement, how it is different from cash bank account?